जाओ साहब जी, देखो ये कमीना आपके बारे में क्या बकवास कर रहा है। साहब जी, ये कहता है आप गद्दार हो, इससे मिलकर जोनाबाद और कश्मीर को हिंदुस्तान से अलग करना चाहते हो। बता दो इस कमीने को कि आप वतन परस्त हो। आपके होते हुए जोनाबाद का एक जर्रा भी तोड़ के अलग नहीं किया जा सकता। साहब जी, पीठ पर खंजर घोपने वाला ये मादर खंजीर की औलाद कहता है आप भी इससे मिले। हाँ हाँ, मैं इन लोगों के साथ मिला हुआ हूँ। पर तू हराम खोर, इनको यहाँ क्यों ले आया? जानता है कौन है ये? मालिक है हमारे, आका है हमारे, ये इनका हुक्म तो हमें मानना ही पड़ेगा ना। अरे तो सिर्फ जोनाबाद और कश्मीर मांग रहे हैं, अगर ये कहे तो इनके सामने हम हमारी गर्दन भी काट के रख देंगे। नजरे नीची कर हराम खोर। मारो साले को, मारो और मारो साले को, मारो मारो साले को, कुत्ते की तरह मारो, मारो। लाला बस, तेरा नमक जो मेरे खून में मिला हुआ था वो बहा दिया तूने। अब जो कुछ भी मेरे जिस्म में बचा है वो मेरी माँ का दूध है, और अपने वतन की हिफाजत के लिए मुझे अपनी माँ का कर्ज चुकाना है। अगर मैं इसे यहां तक उठाकर ला सकता हूं तो वहां भी ले जा सकता हूं जहां कानून इसे इसके गुनाह की सजा देगा। चल ठहरो। चल अलबख्श, कौन है ये? कहां से उठा लाया इसे? ये पाकिस्तान का फौजी अफसर है साहब जी, ये हमारे मुल्क में तोड़फोड़ और दहशत फैलाने आया है। इसने क्या किया अलबख्श, मुझे बताओ। साहब जी, साहब जी, ये हमारे मुल्क से कश्मीर को अलग करना चाहता है, जोनाबाद को तोड़ना चाहता है। इसे सजा दो साहब जी, इसे हवालात में डालो साहब जी। दीवान जी, अलबख्श की रिपोर्ट दर्ज करो। जी जनाब। बोलो। ये लाला नहायत ही खौफनाक शैतान है, गद्दार है वो। इसी के जरिए सरहद पार से लाला हथियार मंगवाता था साहब जी, इसीलिए इस कमजर्फ को मैं पाकिस्तान से उठा लाया। लाला और ये एक दूसरे से मिले हुए हैं। हकीकत जानने के बाद साहब जी, लाला ने अली खान जी, इस गद्दार को उठा के सलाखों के पीछे डाल दो जी, और इसका क्या हश्र करना है वो मेरे हुक्म का इंतजार करो। जी हुजूर। आओ गुलमस्तान। तेरे नैन नक्श तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन तेरी मौत बहुत बुरी होगी। गुड मॉर्निंग सर। वेलकम मेजर प्रताप, वेलकम। गुड मॉर्निंग। आपने मुझे बुलाया सर? यस मेजर।
बहुत जरूरी काम है आपसे। मेजर, आप मिशन पर तो जा रहे हैं जहां मैं अभी आपके साथ हूँ, लेकिन यहाँ आपका एक मिशन अधूरा रह गया है। Which mission, sir? मैं बताता हूँ, पहले मेरी बात का जवाब दो। मेजर प्रताप, तुम कैप्टन सोनिया से मोहब्बत करते हो? Yes, sir. तुम सोनिया से शादी करना चाहते हो? Yes, sir. कल शाम को मैं तुम दोनों की एंगेजमेंट करना चाहता हूँ। Yes, sir. What, sir? ओए ये मोटा मुझे बहुत अच्छा लगता है। ओए 8 पीएम हुआ नहीं और तेरी 8 पीएम शुरू हो गई, ला इधर दे। नो प्रॉब्लम। अ टाइम फॉर फ्रेंड्स 8 पीएम। सर, मैंने डिसाइड कर लिया है। ओए क्या डिसाइड कर लिया है तूने? सर आज मैं बाहर खुले में बैठ के पीऊंगा। कैप्टन पुरुषोत्तम, आप यहीं बैठ के पियो, बाहर बहुत ठंड है। तो क्या हुआ है? ओए ये तेरा घर नहीं है, ये बंकर है और हम लोग हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पर बैठे हुए हैं। तो क्या हुआ? ओए बाहर गोलियां भी चल सकती हैं, तू मर भी सकता है। तो क्या हुआ? ओए तू बाहर नहीं जाएगा, मैं तेरा सीनियर अफसर हूँ और ये मेरा हुकुम है। तो क्या हुआ? कैप्टन सावधान, सर। दो कदम पीछे चल, बैठ जा, आराम से। सर वैसे बाहर खुले में। ओए शट अप यार। तो क्या हुआ? इडियट। सर ये 8 पीएम पीने के बाद तो दुश्मन भी दोस्त हो जाते हैं और आप लोग आपस में लड़ रहे हो। तो क्या हुआ? क्या हुआ? चार्ली 1 टू अल्फा 1, ओवर। ओ अल्फा 1 स्पीकिंग सर। गुड मॉर्निंग मेजर साहब, इधर बड़ी ठंड पड़ रही है, आपकी तरफ कोई नया डेवलपमेंट है? ओवर। हमारे घायल जवानों ने जिस तरह का डिस्क्रिप्शन दिया है, कैप्टन सोनिया ने उस टेररिस्ट का एक स्केच तैयार किया है। तुम्हें ये पता करना है कि कहीं वो पड़ोसी मुल्क का कोई घुसपैठिया था या हमारी जमीन का कोई टेररिस्ट। ओवर। ओ जी, हमारी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन के मुताबिक वो यहीं जोनाबाद की पहाड़ियों के पीछे गए हैं। ओवर। गुड, मैं बहुत जल्द वहां पहुंच रहा हूं। वो कभी भी एनकाउंटर कर सकते हैं, तुम अपनी बटालियन के साथ पोस्ट पर अलर्ट रहना। ओवर। मैसेज रिसीव्ड सर। सर वो हमारे गाने की फरमाइश का क्या हुआ सर? ओवर एंड आउट। थैंक यू सर। Let's go. ले फड़ यार। मैंने सडनली एक जोक याद आ गया। हाँ जी। सुनाता हूँ। तीन दीदियाँ आपस में बातें कर रही थी। पहली बोली, मैं कल की पार्टी में तो काले कपड़े पहन के जाऊंगी क्योंकि मेरे हस्बैंड के बाल बिल्कुल काले हैं। दूसरी बोली, मैं तो सफेद कपड़े पहन के जाऊंगी क्योंकि मेरे हस्बैंड के बाल बिल्कुल सफेद हैं। और तीसरी बोली, मैं तो कल की पार्टी में जा ही नहीं सकती। क्यों सर? क्योंकि वो कुछ पहन ही नहीं सकती थी, उसका हस्बैंड तो बिल्कुल गंजा था ना। इसकी जैसा। उस गद्दार अलबख्श को पुलिस स्टेशन में उड़ा देना चाहिए था भाई सुल्तान। उसे पुलिस स्टेशन में मारने से क्या होता पता है? लाला कानून का मुजरिम बन जाता और हम कानून के साथ खेलते हैं बख्तावर, कानून को हाथ में नहीं लेते। भाईजान, यानी वो हरामखोर जिंदा रहेगा और एक दिन हमारे लिए नासूर बन जाएगा। लाला जिसे पालना जानता है उसे मिटाना भी जानता है। आज रात अलबख्श सोएगा मौत की गहरी नींद। मैंने बंदोबस्त कर दिया उसका। लाला का इकबाल बुलंद हो।
अलबक्स फरार हो गया। क्या? आओ अली खान, उस हराम खोर को खत्म कर दिया ना। लाला, आपके कहे मुताबिक हमने अलबक्स को मारने की तैयारी कर ली थी। इससे पहले कि हम कोई एक्शन करते, वो हवालात की सलाखें तोड़कर फरार हो गया। तो अलबक्स पुलिस की गिरफ्त से निकल गया। तो वो फरार हो गया। हाँ?